गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एपोसाइनेसी फैमिली या नेरियम फैमिली। एपोसाइनेसी या जिसे हम बोलते हैं नेरियम फैमिली। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास है इसमें डाइकोटिलिडिनी, सब क्लास है गैमोबेटेली, ऑर्डर है इसमें जेंटेनेलिज। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी इस फैमिली के अंदर 300 तो जेनेरा मिलते हैं और 13,000 जो है इसमें स्पीशीज पाई जाती है। और मुख्यतः ये वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अब देखते हैं इनमें वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट, तो ये प्लांट जो है बड़े प्लांट या फिर मीडियम साइज के ट्री में मिल सकते हैं, जैसे ट्री के रूप में जैसे एल्स्टोनिया स्कोलेरिश। कुछ प्लांट जो है सर्ब्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं, जैसे थेवेटिया नेरिफेलिया। और कुछ जो है वुडी क्लिम्बर यानी कास्ट है जो प्लांट वो भी मिल सकते हैं। कुछ जो है हर्बेशियस के रूप यानी हर्बेशियस भी पाए जा सकते हैं, जैसे विंका और रोजिया। अब देखते हैं इनमें रूट। तो रूट जो है इनमें टैप रूट मिलेगी। डाइकोट फैमिली और डाइकोट फैमिली में टैप रूट जो क्या हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है। अब देखते हैं इनमें स्टेम। तो स्टेम जो इनका हर्बेशियस वुडी कास्ट है, ब्रांच्ड इरेक्ट सॉलिड और ग्रीन कलर का होता है। और इसके स्टेम में जो है लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स प्रेजेंट रहता है। यानी इसके तने को या फिर इस फैमिली में प्लांट के किसी भी पार्ट को अगर हम काटते हैं तो उनमें वाइट कलर का जो है लेटेक्स मिलता है। अब देखते हैं इनकी लीव। लीव क्या होती है, सिंपल पिटियोलेट अपोजिट होल यानी चक्रिक चक्र के रूप में पाई जाती है। अल्टरनेट अपोजिट तो आपको पता है, एक इधर नोड के यानी एक नोड पर दो दो लीव्स निकलेगी। और हुरल यानी चक्रिक में क्या होता है, एक नोड पर 4 से 5 जो है पर्णें निकल जाती है। अल्टरनेट या एक्स स्टिपुलेट या स्टिपुलेट यानी अन अनुपर्णी पर्ण या फिर अनुपर्णी पर्ण। और इनके अंदर वेनेशन जो है हमें यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट मिलता है, यानी एक सीरीय जालिकावत शिराविन्यास। अब देखते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर। तो इनमें जो है इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मोस्टली तो है साइमोस यानी सेसिमाक्सी टाइप का मिलता है। सेसिमाक्सी जैसे कोरिम्ब, कोरिम्ब किन में मिलेगा, कैरिसा प्लांट जो है उसमें कोरिम्ब टाइप का। सोलिट्रिया एग्जाइल जो है, सोलिट्री एग्जाइल ये कैसा मिल किस में मिलेगा, कैथेरिन्थस रोजियस जिसे हम बोलते हैं सदाबहार, या फिर टर्मिनल साइम जो है प्लूमेरिया में मिलता है हमें। तो इसमें अलग अलग जेनेरा में अलग अलग जो है वो इनफ्लोरेसेंस मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका फ्लोर। फ्लोर यानी ब्रैक्टिएट सहपत्र प्रेजेंट होती है, या फिर अगर एब्सेंट हो तो फ्लोर ई ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट यानी पेडिसल प्रेजेंट हो तो पेडिसिलेट, बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, कंप्लीट फ्लोर क्या होगा, कंप्लीट यानी कंप्लीट का मतलब किसी फ्लोर में कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गायनोशियम सभी क्या हो प्रेजेंट हो, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस यानी कैलिक्स या कोरोला की संख्या जो है 4 हो तो टेट्रामेरस, 5 हो तो पेंटामेरस। फिर हाइपोगाइनस ओवरी जो इसमें मोस्टली हाइपोगाइनस होती है, लेकिन कभी कभी पेरीगाइनस या फिर एपिगाइनस भी हमें मिल सकती है। अब देखते हैं इसमें कैलिक्स, सेपल कितने 5 और रेयर चांस में क्या हो सकते हैं 4 और गेमोसेपेलस, लेकिन रेयरली पोलीसेपेलस भी मिल सकते हैं। और कैलिक्स में यानी एस्टिवेशन जो है इम्ब्रिकेट टाइप का या फिर क्वीन कुंशियल टाइप का जो है वेनेशन हमें मिल सकता है। फिर देखते हैं कोरोला, कोरोला में पेटल कितने होते हैं 5 या फिर 4 भी मिल सकते हैं, गेमोपेटलस। और कोरोला
इनका आकार कैसा होता है, ट्यूबुलर या फिर फनल सेप्ट यानी कीप आकार हो सकता है। और इनमें एस्टिवेशन जो है ट्विस्टेड यानी व्यावर्तित जिसे बोल सकते हैं, व्यावर्तित या फिर वेलवेट भी मिल सकता है, ट्विस्टेड भी और वेलवेट भी मिल सकता है। इसके बाद है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन 5 या फिर 4 एपिपेटलस, स्टेमन क्या होते हैं एपिपेटलस यानी पेटल के साथ फ्यूज रहते हैं। और फिलामेंट इनका शॉर्ट, एंथर जो है इंट्रोस टाइप के यानी इनका मुख गाइनोशियम की तरफ होता है। फिर आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम जो है बाइकार्पेलरी, सामान्यतः बाइकार्पेलरी, फिर सिनकार्पस यानी कार्पल जो एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, और ओवेरी सुपीरियर यानी हाइपोगाइनस मिलता है तो ओवेरी क्या होगी सुपीरियर, लेकिन कभी कभी इंफीरियर या हाफ इंफीरियर भी हमें मिल सकती है। और इस अब देखें इसका प्लासेंटेशन, तो इसमें पैराइटल प्लासेंटेशन भी मिल सकता है, एग्जाइल प्लासेंटेशन भी मिल सकता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन भी मिल सकता है। यानी एक फैमिली की रेफरेंस में अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग जेनेरा होंगे, अलग अलग जीनस होंगे, तो उनमें पैराइटल भी मिल सकता है, एग्जाइल भी और मार्जिनल प्लासेंटेशन भी इनमें मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं फ्रूट, फ्रूट यानी ड्राई या फिर फ्लैसी जो है ड्रूप के रूप में मिलेगा या बेरी के रूप में मिलेगा। अब इनके बीज, सीड, सीड कैसे होते हैं एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी बीज। इसके बाद है इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व जो इस फैमिली का क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे कैथेरेंथस रोजिस, कैथेरेंथस रोजिस तो आप सब जानते ही हो, जिसे हम सदाबहार बोलते हैं, सदाबहार यानी शोभाकारी पादप या ऑर्नामेंटल प्लांट। दूसरा है प्लूमेरिया एल्बा, नेरियम इंडिकम यानी कनेर जिसे बोलते हैं, थिवेटिया पेरुवियना, नेरियम इंडिकम कनेर, थिवेटिया पेरुवियना पीली कनेर। इसके बाद है रबर, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट हमने देख लिया, इसके बाद यानी वे प्लांट जिनसे हमें रबर मिलता है, जैसे फंटोमिया इलास्टिका, और दूसरा है कार्पोंडिमस लेसियोलोटस, कार्पोंडिमस लेसियोलोटस। उसके बाद है ईडिएबल यानी इसमें खाने योग्य प्लांट जो है, जैसे कैरिसा, कैरिसा केरेंडस, कैरिसा केरेंडस करोंदा, यानी इसके कच्चे फल जो होते हैं उनकी क्या बनाई जाती है, सब्जियां बनाने के काम में लेते हैं। और दूसरा है कैरिसा ग्रांडिफ्लोरा, कैरिसा केरेंडस और कैरिसा ग्रांडिफ्लोरा जो है इनके फलों की क्या बनाई जाती है, सब्जियां बनाने के काम में लेते हैं। उसके बाद है इसमें मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल प्लांट में जैसे राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, शर्प गंधा जो हाई ब्लड प्रेशर में काम में लेते हैं। उसके बाद है कैंथेरेंथस रोजियस, कैंथेरेंथस रोजियस यानी सदाबहार जो कैंसर के रोग में जो है काम में लिया जाता है, एंटी कैंसर। इसके बाद जैसे डाइया रंजक, राइटिया टिंक्टोरिया, रंजक के रूप में राइटिया टिंक्टोरिया, नील के समान रंजक, जैसे नील के प्लांट से हमें डाई प्राप्त होती है, वैसे ही राइटिया टिंक्टोरिया से हम से भी हम डाई प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, यानी हमने एपोसाइनेसी फैमिली जो है हमने देख ली, अब एपोसाइनेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लांट देखते हैं, एक स्पेशल प्लांट के रेफरेंस में हम इनके करेक्टर देखते हैं, जैसे कैथेरेंथस रोजियस यानी सदाबहार, तो कॉमन नेम इसका सदाबहार। और इसके वेजिटेटिव करेक्टर प्रेनुअल यानी बहुवर्षीय हर्ब होगा, और रूट इसमें टैप रूट सिस्टम मिलेगा, स्टेम इसका इरेक्ट हर्बेशियस मिल्की लेटेक्स जो इसके स्टेम में प्रेजेंट होगा, स्टेम में या फिर लीव्स में, ये प्लांट के पूरे पार्ट में ये मिलते हैं लेटेक्स। इसके बाद है लीव सिंपल और एक्स स्टिपुलेट अन अनुपर्णी, जो पर्णी इसमें मिलती है, ओपोजिट यानी सम्मुख,
और यूनिक होस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में प्रेजेंट होगा, लेटेक्स भी प्रेजेंट। इसके बाद इसका पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस, सोलाइट्री या एग्जाइल, यानी इनमें एकल कक्षीय पुष्प जो है वो पाए जाते हैं, एकल कक्षीय। उसके बाद है फ्लोवर, फ्लोवर में ब्रैक्ट प्रत्या सह पत्र जो है प्रेजेंट होती है, तो फ्लोवर ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, पेंटामेरस यानी कैलेक्स कोरोला, इसमें पाइप पाइप मिलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस यानी फ्लोवर को किसी भी प्लेन से, किसी भी सिमेट्री से अगर हम काटें तो उसके दो बराबर पार्ट हमें मिल जाते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस। इसके बाद देखते हैं इसके कैलिक्स, तो कैलिक्स में सेप्पल जो है 5 सेप्पल मिलेंगे हमें, 5 सेप्पल। और ये क्या होते हैं, गेमोसेप्पल्स यानी आपस में जुड़े हुए, पॉलीसेप्पल्स ना होके आपस में फ्यूज रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं गेमोसेप्पल्स। और वेलवेट जो है एस्टिवेशन इसमें पाया जाएगा, कोर सपर्शी। उसके बाद कोरोला, कोरोला में 5 पेटल और ये भी गेमो पेटलस, और इसमें एस्टिवेशन क्या क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड यानी क्लॉकवाइज ट्विस्टेड व्यावर्तित जिसे हम बोलते हैं। और कोरोला जो इसका कलर या तो बैंगनी कलर के होंगे या फिर ये सफेद कलर, सफेद रंग के होंगे। इसके बाद है एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम में स्टेमन 5, पोलियंड्रस यानी पृथक पुंकेश्वरी, एपिपेटलस दल लगन, दल या पेटल से ये फ्यूज रहेंगे। एंथर बाइथिकस द्विपाली युक्त प्राग कोश इसमें मिलेगा, इंट्रोश अंतर्मुखी और डोर्सी फिक्स्ड यानी पृष्ठ लगन। उसके बाद है गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस यानी कैथेरेंथस में कार्पस जो है वो एक दूसरे से फ्री रहते हैं, फ्यूज ना होके फ्री रहते हैं। स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है इसमें यूनाइटेड यानी इसमें जो स्टाइल और स्टिग्मा होती है आपस में जुड़ी हुई रहती है। 2 नेक्टेरियस प्रेजेंट यानी मकरद ग्रंथियां जो है इसमें 2 मिलेंगी। उसके बाद है ओवेरी सुपीरियर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती। उसके बाद इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला जैसे फ्लोवर ब्रैक्टिएट है, सहपत्र प्रेजेंट है, तो BR एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस का शाइन। बाइसेक्सुअल कैलिक्स यानी इसमें सेप्पल 5 है और आप गेमोसेप्पल्स हैं। इसके बाद कोरोला, कोरोला भी 5 है और गेमो पेटलस है, और एंड्रोशियम 5 और पोलियंड्रस यानी प्रत्येक पुंकेश्वरी है, तो इसे हम ब्रैक्ट में बंद नहीं करते। और जो है एंड्रोशियम क्या है, एपिपेटलस, एपिपेटलस का मतलब ये पेटल से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको हम फ्यूज कर देते हैं एक और शी को। उसके बाद ओवेरी जो है सुपीरियर और 2, एपोकार्पस, एपोकार्पस होगी तो इसमें 2। फिर देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल डायग्राम में कैलिक्स जो है 5 और एस्टिवेशन इसमें क्या है, वेलवेट, वेलवेट का मतलब एक दूसरे को इनके एंड जो है सिर्फ टच करते हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते एक दूसरे को, और आपस में फ्यूज होते हैं, तो हमने ये फ्यूज कर दिया। उसके बाद है कोरोला, तो कोरोला 5 पेटल और इसमें जो है एस्टिवेशन ट्विस्टेड होता है यानी व्यावर्तित, इसका मतलब पेटल का एक सिरा जो है दूसरे पेटल से ओवरलैप होता है और उसका दूसरा सिरा बाहर की तरफ होता है, एक तो ओवरलैप दूसरे से और दूसरा बाहर की तरफ निकला रहता है। और उसके बाद है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इंट्रोश यानी अंतर्मुखी यानी इनका मुख जो है गाइनोशियम की तरफ, ओवेरी की तरफ होता है, और ये एपिपेटलस दल लगन होते हैं, तो इसे हम पेटल से जोड़ देते हैं 5। उसके बाद है गाइनोशियम यानी बाइकार्पेलरी, एक कार्पल और दूसरा कार्पल।